काम करेगा। स्कोप रूल के बारे में बात करते हैं। स्कोप यानी कि उसका स्कोप कहां कहां है, किसी भी चीज का स्कोप कहां है। तो पाइथन अगर किसी प्रोग्राम के बारे में बात करें तो स्कोप वो ऐसी जगह होती है जहां पर पाइथन प्रोग्राम या पाइथन की जो स्टेटमेंट है वहां पर नेम स्पेस डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, डायरेक्टली आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। जहां पर वो जगह या लोकेशन उस जगह की विजिबिलिटी को डिफाइन करता है कि हाँ जी साहब यहां पर ये विजिबल है, उसको हम स्कोप कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि स्कोप हम स्टैटिकली डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, लेकिन जब वो यूज होगा तब वो डायनेमिकली होगा, जब प्रोग्राम रन होगा तब उसे यूज किया जाएगा, लेकिन स्टैटिकली क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट तब हो जाता है। जब भी एग्जीक्यूशन हो रहा हो तो चार चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी जहां तक स्कोप रूल्स का सवाल है। पहला यह है कि पाइथन में हर नाम, जितने भी टाइप वेरिएबल हैं आपके, वो एक तरीके से देखे जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चाहे आप नंबर ले, चाहे स्ट्रिंग ले, फंक्शन ले, टाइप्स ले, मॉड्यूल ले, क्लासेस ले, सबको एक नजर से देखा जाता है, सबको एक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, राइट। लेकिन नाम ऐसा नहीं कि सबको एक साथ डील करेगा, वो एक को ही रिफर करेगा एक टाइम। जैसे एक प्रोग्राम में आपको बताता हूं, चाहे आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया var, 10+5 किया, प्रिंट करेंगे वेरिएबल को तो क्या आएगा, 15, राइट। अब हमने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम वेरिएबल का भी यही है, अब फंक्शन का नाम भी हमने var रख दिया, ये रिटर्न करेगा y इंटू 10, जो भी आप वैल्यू इसमें y डालेंगे वो 10 का गुणा करके आपको दिखाई देगी। हमने एक वेरिएबल बनाया और, अब ये स्ट्रिंग है, तो यहां पर एक इंटीजर हो गया, एक फंक्शन हो गया, एक आपका स्ट्रिंग हो गया, तीनों के नाम जो है var ही है। हम प्रिंट var कराएंगे तो हेलो प्रिंट होगा। तो ये जो कोड देखा आपने, इसमें पहला var था इसके साथ, 15 के साथ, दूसरा बाइंड कर दिया आपने फंक्शन के साथ, तीसरी बाइंडिंग जो आपने की वेर की, क्यों ये क्यों लूज हो गई, ध्यान रखिएगा कि जो मैं कह रहा था हेलो, वो तीसरी वेरिएबल, द प्रीवियस बाइंडिंग ऑफ वेर ऑफ 15, तीन चीजें बताई मैंने, 15, फिर फंक्शन, फिर आपका हो गया तीसरा पार्ट जो हेलो। जो पहली बाइंडिंग है, जैसे ही आपने ये दूसरा फंक्शन क्रिएट किया, पहली बाइंडिंग खत्म हो गई, क्योंकि अब फंक्शन के साथ बाइंडिंग हो गई है वेर की। वेर पहले इससे बाइंड था, अब इससे बाइंड हो गया। उसके बाद जैसे ही आपका हेलो के साथ बाइंड किया आपने, ये इसको तो खत्म हो चुका है, यहां पर आ जाएगा, ओके। अब वेर स्ट्रिंग के साथ बाउंड हुआ जो कि हेलो है हमारा, तो अब फंक्शन के साथ कोई बाइंडिंग नहीं रही इसकी। अब जो अगला है उसका मतलब ये है कि जो स्कोप है वेरिएबल का वो फंक्शन में होगा, मतलब वो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है तो फंक्शन में होगा, क्लास के अंदर है तो क्लास में होगा, फाइल के अंदर है तो फाइल में होगा। हर एक जो नाम है वो नेम स्पेस को बिलोंग करता है। यदि वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन में तो उसका स्कोप फंक्शन होगा, अगर आप उसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो वही उसका लोकल नेम स्पेस बनेगा, तो लोकल रहेगा अगर फंक्शन के अंदर होगा। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एक एग्जाम्पल देखिए कि हमने क्या किया, df test x इक्वल टू 5 प्रिंट x, तो यहां क्योंकि x आपने 5 बना दिया है, प्रिंट x करेगा, ये 5 प्रिंट कर देगा। थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, x को 10 दिया, अब यहां पर x को 10 दिया और आपने कहा कि सबसे पहले प्रिंट कर दीजिए x को, तो ये 10 प्रिंट कर देगा आपको, क्योंकि x 10 है, प्रिंट आपने कहा तो कर देगा। उसके बाद उसने आपने कहा कि एग्जाम फंक्शन को कॉल करिए, एग्जाम फंक्शन को जिस तरीके से बनाया है कि प्रिंट x, ओके प्रिंट x बनाया आपने, तो यहां पर प्रिंट एक्स, अब इसने एक्स ने देखा कहां है एक्स, मिला नहीं इसको, इसके अंदर तो मिला नहीं, तो ये ऊपर जाएगा और यहां ढूंढेगा और एक्स को 10 प्रिंट कर देगा। अब आपने कहा टेस्ट फंक्शन कॉल करिए, ये टेस्ट के अंदर आएगा, इसको एक्स 5 मिल रहा है और ये एक्स प्रिंट भी हो रहा है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर मार्क्स 20, यानी 20 यहां भेजिए और इसको प्रिंट कर दीजिए, तो 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये प्रिंटिंग इस तरीके से हो रही है कि आपके पहले वाले में वो
जब पहला प्रिंट था वो ग्लोबल था, उसके बाद जो प्रिंट आए वो सब अंदर क्योंकि वैल्यू मिल गई वो हो गए, और इस वाले में बस ये चीज हुई ये वाले में कि इनको जब मिला नहीं, यहां जब मिला नहीं तो इन्होंने इसको ढूंढ लिया, राइट। अब देखिएगा, अब एक दूसरी चीज है इसमें कि जो नाम है वो किसको बिलोंग करता है, नेम स्विच को, जहां वो बाइंड हो रहे हैं, वो बाइंड पहले हो रहे हैं या बाद में हो रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पाइथन को हम कहते हैं लेक्सिकली स्कोप लैंग्वेज। जो वेरिएबल स्कोप है पूरी तरीके से इस तरीके डिटरमाइन होगा कि वेरिएबल की लोकेशन क्या है सोर्स कोड, फंक्शन कॉल से नहीं होगा। अगर बाइंडिंग वेरिएबल की किसी फंक्शन के अंदर है तो वेरिएबल नाम लोकल रहेगा। मैं इसको समझाता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसमें क्या आएगा। एक्स इक्वल टू 10 दिया आपने, ओके, और आपने कहा कि फंक्शन वन को कॉल करिए जरा। फंक्शन वन को आप कॉल करेंगे, यहां वन आएगा, एक्स इसको 50 दे दिया, प्रिंट एक्स करेंगे तो 50 प्रिंट हो जाएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा फंक्शन टू को कॉल करिए, ये फंक्शन टू पे गया, फंक्शन टू पे इसने प्रिंट एक्स कराना है, तो ये कहां ढूंढेगा, इसको कहीं भी ढूंढना चाहिए बाहर, 10 इसको प्रिंट करना चाहिए जो हमने पहले देखा। लेकिन अब आपने क्या किया, इसी फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 25 लिख दिया, यहां हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्या हुई कि फंक्शन टू जब आपने कॉल किया उसमें एक लोकल वेरिएबल x है, एक वेरिएबल x तो है ही इसके अंदर, और एक बाहर भी मिल रहा है इसको, तो लोकल वेरिएबल शेडो कर देगा आउटर वाले को, जबकि लोकल x को आपने इनिशियली किसी से बाइंड ही नहीं किया। तो जो लाइन प्रिंट होगी, प्रिंट लाइन है प्रिंट x, वो ढूंढेगी x, लोकल मुझे तो मिल ही रहा है तो वो बाइंड तो हो नहीं, तो रेफरेंस उसके x का एक एरर दे देगा आपको, अनबाउंड लोकल एरर। इसी तरीके से फंक्शन 3, फंक्शन 3 में आइए, फंक्शन 3 में क्या हो रहा है, इस फंक्शन 3 में मैं आपको यहां ले जाता हूं, इस फंक्शन 3 में क्या हुआ, आपने कहा कि यदि p 10 से छोटा है या 10 p से बड़ा है तो आप x को 2 प्रिंट करिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो आपने कहा 20 पास करूंगा मैं, तो आपने 20 पास किया, आपने देखा 20 इज लेस देन 10, ये तो गलत हो गया, तो x प्रिंट नहीं होगा, तो प्रिंट x होगा। अब जब ये कंडीशन मीट होगी तो ये लाइन पे तो गया ही नहीं, अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगी x की, ये x किसको ले, यहां पर भी आपको क्योंकि x इसको मिला ही नहीं, x इज x को x दो कभी हुआ ही नहीं, तो ये भी एक एरर दे देगा। लेकिन जैसे आप यहां पर जाएंगे इस जगह पे और आप कहेंगे कि भाई 5 पास करते हैं, तो 5 पास करेंगे तो 5 लेस देन 10 ये तो चल गया, तो x इक्वल टू 2 मिलेगा, प्रिंट x हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, तो यहां पर 2 प्रिंट हो जाएगा। आप समझ गए डिफरेंस क्या है पहले वाले में और इस वाले में, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ये नहीं किए होते, अगर हमने ये नहीं किया होता तो ये इसको ढूंढ के प्रिंट करता, लेकिन यहां ये हो गया एरर। कौन सा एरर, अनबाउंड लोकल एरर्स, ठीक है, जो नेम आप डिक्लेयर कर रहे हैं ग्लोबल कीवर्ड से वो आपको फाइल लेवल पे बताने पड़ेंगे, क्योंकि ग्लोबल स्टेटमेंट ये बताता है कि कोई वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में है। अगर आपने ग्लोबल स्टेटमेंट नहीं दिया तो हमेशा इनर मोस्ट लोकल लूप में ही ढूंढेगा। जैसे इसमें देखिए, आपने x इक्वल टू 5 किया, यहां पर x इक्वल टू 2 दिया और यहां पर कहा x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक, x को 2 मिला, x इज इक्वल टू x प्लस 1 यानी x या 3 हो गया। अब फंक्शन 2 में आइए, इसने इसको बोला कि ग्लोबल x यूज करेंगे, मतलब हम ये यूज करना चाहेंगे। अब x इज इक्वल टू x प्लस 1 मतलब यहां पर 5 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो आप जब प्रिंट x करेंगे यहां पर तो आपको क्या मिलना चाहिए, इस प्रिंट एक्स में क्या मिलेगा आपको, तो यहां पर इस प्रिंट एक्स में आपको मिलेगा 5। फंक्शन 1 जब कॉल करेंगे तो मिलेगा 3, फंक्शन 2 जब कॉल करेंगे तो मिलेगा आपको 6, ठीक है। ये लोकल इंक्रीमेंट हो गया और इसने क्योंकि ग्लोबल को कॉल करके इंक्रीमेंट किया, ये ग्लोबल लिखना जरूरी है,